हेलो बच्चों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी रज़िया सुल्ताना के बारे में कि रज़िया सुल्ताना ने किस तरह से वो सिंहासनारूढ़ हुई, किस तरीके से उसने अमीरों के विद्रोह का दमन किया और नवीन नियुक्तियाँ की। आगे हम बात करते हैं रज़िया के समय की मुख्य घटनाएं कि क्या क्या घटनाएं उसके समय में घटित हुई। पहली है करमत तथा मुजाहिदों का विद्रोह। सुल्ताना बनने के कुछ महीनों बाद ही रज़िया को करमत तथा मुजाहिदों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। नूरुद्दीन नामक एक तुर्क के उकसाने पर गुजरात, सिंध, दिल्ली के पड़ोस और गंगा यमुना के दोआब में बसे इन संप्रदायों के अनुयायी भारी संख्या में दिल्ली के आसपास एकत्रित होने लगे। अपने नेता की प्रेरणा से उन लोगों ने दिल्ली सिंहासन को इस्लाम के कट्टरपंथियों से छीनने का निश्चय किया। शुक्रवार तारीख 6 रजब 634 हिजरी मार्च 1237 ईस्वी के दिन कर्माती लोगों ने शस्त्रों से सज्जित होकर दो अलग अलग दिशाओं से दिल्ली की जामा मस्जिद पर आक्रमण कर दिया। उनका विश्वास था कि सुल्ताना रज़िया भी वहाँ होगी। कर्मातियों ने मस्जिद में उपस्थित मुसलमानों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया, जिससे भारी कोलाहल मच गया। रज़िया ने तत्काल सेना की सहायता से विद्रोह को कुचल दिया। सैकड़ों कर्मातियों को मौत के घाट उतार दिया गया और बाकी बचे कर्मातियों को सख्त सजा दी गई। मिन्हाज ने लिखा है कि ईश्वर की कृपा से उसे यश मिला, इससे रज़िया की स्थिति और भी सुदृढ़ हो गई। दूसरा पॉइंट, रणथंभौर का पतन। इल्तुतमिश की मृत्यु और रुकनुद्दीन की आक्रमणता से उत्पन्न अव्यवस्था का लाभ उठाकर चौहान राजपूतों ने रणथंभौर के दुर्ग को घेर लिया। तुर्क सेना दुर्ग में घिर गई। सुल्ताना ने रणथंभौर में फंसी तुर्क सेना की सहायता के लिए एक सेना भेज दी, परंतु इस सेना को यह सुझाव भी दिया गया कि यदि ऐसी स्थिति बिगड़ जाए तो दुर्ग को खाली कर दिया जाए और सैनिकों को सुरक्षित लौटा दिया जाए। तदनुसार तुर्कों ने रणथंभौर दुर्ग खाली कर दिया और चौहानों ने उस पर अपना अधिकार जमा संतुष्ट हो गए। तीसरी घटना, ग्वालियर के दुर्ग के रक्षा की समस्या। ग्वालियर का दुर्ग रक्षक ज़ियाउद्दीन अली सल्तनत के भूतपूर्व वजीर जुनैदी का रिश्तेदार था। रज़िया को जब यह जानकारी मिली कि वह अब भी उसके विरुद्ध जोड़ तोड़ करने में लगा हुआ है, तो उसने बरनी के सूबेदार को उसके विरुद्ध अभियान करने का आदेश दिया। बरनी के सूबेदार ने उसकी बंदी बनाकर दिल्ली भिजवा दिया, परंतु दिल्ली पहुंचने के पूर्व ही वह लापता हो गया। रज़िया के विरोधी अमीरों को यह विश्वास हो गया कि सुल्ताना के संकेत पर उसकी हत्या कर दी गई है और सुल्ताना अपने विरोधियों का सफाया करने वाली है। इसी समय नरवर के शासक यजवपाल ने ग्वालियर पर आक्रमण कर दिया। दुर्ग रक्षक तुर्क सेना अधिक दिनों तक आक्रमण का सामना न कर सकी। रज़िया ने सहायता भेजने के स्थान पर ग्वालियर दुर्ग को खाली कर इस तुर्क अमीर और भी असंतुष्ट हो गया और उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा कि सल्तनत छिन भिन हो गई है। चौथा जो घटना हुई है वो है सीमांत समस्या की। सल्तनत के पश्चिमी सीमांत पर मंगोलों के निरंतर आक्रमण शुरू हो गए थे। इस क्षेत्र पर अभी भी जलालुद्दीन मंगबरनी के प्रतिनिधि हसन करलुक का अधिकार हो गया था। मंगोलों के विरुद्ध उसने रज़िया से सहायता की अपील की। इल्तुतमिश की नीति का पालन करते हुए रज़िया ने सहायता देने से इनकार कर दिया, परंतु तुर्क अमीरों ने इसे सुल्ताना की सैनिक निर्बलता का प्रतीक माना। पांचवी घटना, रज़िया के मर्दाने रवैये से असंतोष। रज़िया का मर्दाना रवैया तुर्क अमीरों को पसंद नहीं आया। रज़िया ने परंपरागत पर्दा त्याग किया और मर्दाना लिबास में दरबार लगाना आरंभ कर दिया। वह खुले दरबार में लोगों की फरियाद सुनने लगी और अधिकारियों से राजकार्य की रिपोर्ट लेने लगी। औरत होते हुए भी वह मर्दों की भांति शिकार और घुड़सवारी करने लगी। उसने सैन्य संचालन का काम संभाल लिया और स्वयं युद्धों में भाग लेने लगी। इससे रूढ़िवादी मुसलमान और तुर्क अधिकारी नाराज हो गए। छठी घटना, याकूत के प्रति अनुराग। जमालुद्दीन याकूत नामक एक अबिसिनियाई हबशी के प्रति सुल्ताना ने अपार स्नेह प्रदर्शित करके बहुत बड़ी भूल की। सुल्ताना बनती रज़िया ने उसे अमीर आखुर पद पर नियुक्त कर दिया था। उसे किसी भी समय सुल्ताना के सम्मुख उपस्थित होने की विशेष सुविधा प्रदान की गई और घुड़सवारी के समय वह प्राय याकूत को अपने साथ ले जाती थी। इससे वंशानुगत कुलीन तुर्क सरदार सुल्ताना से अप्रसन्न हो गए। सातवां पॉइंट, सातवीं घटना, अमीरों का विद्रोह और रज़िया का पतन।
सुल्ताना बनने के 3 वर्ष बाद ही उसे अपने अमीरों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। रजिया की नीतियों से यह स्पष्ट होने लगा था कि वह शासन सत्ता अपने हाथ में केंद्रित रखने के लिए प्रयत्नशील है और प्रशासन के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर गैर तुर्क सरदारों को नियुक्त करके तुर्कों के विरुद्ध एक नया दल तैयार कर रही थी। अतः तुर्क सरदारों ने अपने स्वार्थों की रक्षा के लिए रजिया को पदच्युत करने के लिए ठोस षड्यंत्र रचा। सर्वप्रथम लाहौर के सूबेदार कबीर खान एयास ने विद्रोह किया, परंतु रजिया ने उसके विद्रोह को कुचल दिया। उसने सुल्ताना से क्षमा मांग ली। रजिया ने उसको क्षमा तो कर दिया, परंतु लाहौर का सूबा उससे छीन लिया गया और केवल मुल्तान का सूबा उसके पास रहने दिया। इस घटना के थोड़े दिन बाद सैफुद्दीन ने मुल्तान पर आक्रमण करके एयास को खदेड़ दिया। रजिया ने एयास की सहायता नहीं की। इससे भयभीत होकर तुर्क सरदारों ने संगठित होकर दोबारा षड्यंत्र की योजना बनाई। नई योजना के प्रमुख सदस्य थे भटिंडा का सूबेदार इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया, लाहौर का सूबेदार मलिक इज़ुद्दीन कबीर खां एयास और हमीरे हाजिब एतिकिद। योजना के अनुसार रजिया को दिल्ली से बाहर ले जाकर समाप्त करना था, क्योंकि षड्यंत्रकारियों का विश्वास था कि दिल्ली की जनता सुल्ताना की समर्थक है और सुल्ताना भी काफ़ी सतर्क है। अतः अल्तुनिया को विद्रोह करने के लिए कहा गया। योजना अनुसार अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। रजिया विद्रोह का दमन करने के लिए दिल्ली से चल पड़ी। मार्ग में षड्यंत्रकारियों ने उसके कृपा पात्र याकूत की हत्या कर दी और भटिंडा के निकट स्वयं रजिया को भी बंदी बना लिया गया और उसे अल्तुनिया की देखरेख में भटिंडा दुर्ग में रखा गया। इसके तुरंत बाद विद्रोही अमीरों ने इल्तुतमिश के तीसरे लड़के बहराम को सिंहासन पर बैठा दिया। बहराम शाह सुल्तान तो बन गया, परंतु शासन सत्ता पर विद्रोहियों के नेता एतिगिन ने कब्जा कर लिया। इसे नायब ए मामलिकात जैसे महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया। धीरे धीरे उसकी महत्वाकांक्षाएं विकसित होने लगी। उसने सुल्तान की बहन के साथ विवाह कर लिया और अपने महल पर हाथी तथा नौबत जैसे शाही सम्मान के चिन्हों का उपयोग करने लगा। उसकी निरंकुशता से तंग आकर बहराम शाह ने उसकी हत्या करवा दी। एतिगिन की मृत्यु से उसका साथी अल्तुनिया निराश हो गया, क्योंकि अब उसे किसी महत्वपूर्ण पद के मिलने की आशा नहीं रही। अतः उसने रजिया को रिहा करके उसके साथ विवाह कर लिया, परंतु मिन्हास के मतानुसार रजिया ने अल्तुनिया पर अपना माया जाल बिछाकर उससे विवाह कर हारी हुई बाजी को जीतने का प्रयास किया था। परिस्थिति जैसी भी रही हो, दोनों ने सेना से दिल्ली की तरफ कूच किया। मलिक इज़ुद्दीन सालारी और मलिक कराकश जैसे कुछ अमीर भी रजिया के पक्ष में आ मिले। सुल्तान बहराम शाह की सेना ने बढ़कर रजिया पर आक्रमण किया। युद्ध में रजिया और अल्तुनिया की हार हुई और वे दोनों भाग निकले, परंतु कैथल के निकट कुछ हिंदू लुटेरों ने उनकी हत्या कर दी। इस प्रकार सुल्ताना रजिया का दुखमय अंत हुआ। रजिया के पतन के कारण क्या, उसके कारण के कॉजेज फॉर हर डाउनफॉल, ये हम करते हैं। रजिया के पतन के लिए किसी एक कारण को उत्तरदायी नहीं माना जाना चाहिए। उन अनेक कारणों ने मिलकर उसके पतन का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। उनमें से कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला, अमीरों के स्वार्थ। रजिया का पतन वास्तव में तुर्क अमीरों की विजय थी। वे रजिया की तुलना में अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुए। इल्तुतमिश ने जो 40 मंडल बनाया था वह काफ़ी शक्तिशाली था और रजिया ने इसकी शक्ति को कुचलने के लिए प्रारंभ से ही प्रयास किया था। इससे वे लोग सशंकित हो उठे। उस युग में स्वामी भक्ति और निष्ठा के स्थान पर अमीरों को अपने स्वार्थों की चिंता थी। वे तो एक नाम मात्र का शासक चाहते थे ताकि उन्हें मनमाने तरीके से काम करने का अवसर मिलता रहे। रजिया एक योग्य सुल्ताना थी और सत्ता पर अपना नियंत्रण रखकर अमीरों को ताज के प्रारंभ में रजिया सफल रही, परंतु निर्णायक युद्ध में उसे परास्त होना पड़ा, क्योंकि अमीरों की संयुक्त सैनिक शक्ति रजिया से अधिक थी। इसके अलावा इल्तुतमिश के पुत्र अभी जीवित थे और वे उनमें से ही किसी एक को सुल्तान बनाना चाहते थे। इससे उनका पक्ष अधिक सबल हो गया। डॉक्टर पांडे के अनुसार दिल्ली सल्तनत अभी प्रारंभिक दशा में थी और स्थानीय अधिकारियों पर उसका सुदृढ़ नियंत्रण स्थापित नहीं हो पाया था। दूसरा उसका कारण था पतन का, रजिया का स्त्री होना। कुछ विद्वानों के अनुसार रजिया का स्त्री होना ही उसके पतन का मुख्य कारण था। रजिया में शासकीय गुणों की कमी नहीं थी, परंतु जैसा कि एल्फिंस्टन ने लिखा है कि उसकी विशेषता एवं गुण उसको एक कमजोरी से बचाने में अपर्याप्त है।
वस्तुतः उस युग में तुर्क अमीर एक स्त्री के नेतृत्व को स्वीकार करना अपनी हेठी समझते थे। उस युग की राजनीति में एक स्त्री के लिए चाहे वह कितनी ही योग्य क्यों ना रही हो कोई स्थान न था। तीसरा, रजिया का मर्दाना रवैया। रजिया ने परंपरागत पद की प्रथा को त्याग कर और मर्दाना लिबास पहनकर दरबार लगाना शुरू कर दिया था। मुसलमानों की निगाह में यह सामाजिक मर्यादा का अतिक्रमण था। इतना ही नहीं, वह पुरुषों की भांति शिकार खेलने और ले जाने लगी, अपनी सेना का स्वयं संचालन करने लगी और युद्धों में भाग लेने लगी। उसकी हरकतों ने धर्मनिष्ठ कट्टर मुसलमानों और अमीरों को उसका जबरदस्त विरोधी बना दिया। चौथा पॉइंट है, चौथा उसका कारण था पतन का याकूत के साथ संबंध। अबिसिनियन हबशी याकूत के साथ रजिया के घनिष्ठ संबंध ने उसके पतन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। रजिया एक खूबसूरत युवती थी और प्रत्येक तुर्क अमीर उसे स्वीकार करने को लालायित था, परंतु एक गैर तुर्क को अपना स्नेह भाजन बनाकर रजिया ने तुर्क अमीरों की ईर्ष्या को भड़का दिया। सुल्ताना बनती रजिया ने याकूत को अमीर हाखुर पद पर नियुक्त किया। वैसे कुछ विद्वानों का मानना है कि याकूत की पदोन्नति शासन तंत्र पर से तुर्क अधिकारियों के एकाधिकार को कमजोर बनाने की रजिया की नीति का एक अंग मात्र थी। बात यहीं तक सीमित रही होती तो ठीक थी, परंतु जब याकूत को सुल्ताना की सेवा में उपस्थित होने की विशेष सुविधा प्रदान की गई तो दोनों के संबंधों को लेकर अनेक प्रकार की अफवाहें उठने लगी। याकूत और रजिया के आपसी संबंधों के बारे में इतिहासकार भी एकमत नहीं है। इब्न बतूता, इसामी, फरिश्ता, निज़ामुद्दीन, बदायूनी, सर टॉमस, ईश्वरी प्रसाद आदि ने रजिया के आचरण को निंदनीय ठहराया। इसके विपरीत कुछ विद्वानों ने रजिया को निर्दोष बतलाया। समकालीन इतिहासकार मिनाज़े सिराज ने उसके चरित्र पर किसी प्रकार का लांछन नहीं लगाया। वह केवल इतना ही लिखता है कि याकूत को सुल्ताना की सेवा में उपस्थित रहने की कृपा प्राप्त हो गई थी। मेजर रेबर्टी, वुल्जले, हेक, लैंडपुल और मजुमदार जैसे विद्वान भी रजिया को निर्दोष मानते हैं। तुर्क सरदारों के आक्रोश का मुख्य कारण यही था कि याकूत एक हबशी था। यदि यही कृपा किसी तुर्क सरदार पर की गई होती तो उसका आचरण कभी निंदनीय नहीं माना जाता। पांचवा लास्ट कारण था राजनीतिक घटनाएं। सुल्ताना बनने के बाद रजिया ने कुछ राजनीतिक घटनाओं के प्रति जिस प्रकार की नीति अपनाई वह भी उसके पतन का एक कारण बन गई। रणथंभौर और ग्वालियर के दुर्ग को खाली कराना उसकी सैनिक कमजोरी मानी गई। कबीर खां एयास से लाहौर का सूबा छीन लेना और भूतपूर्व वजीर जुनैदी के रिश्तेदार ग्वालियर के दुर्गरक्षक का अचानक लापता हो जाना, यह सब घटनाएं ऐसी थी जिससे तुर्क सरदार यह सोचने लगे कि रजिया उन सभी को एक एक करके समाप्त करने पर तुली है। अतः उन्होंने संगठित होकर रजिया को हटाने का फैसला किया ताकि उनके स्वार्थों की रक्षा की जा सके। उसके पतन का वास्तविक कारण यही था कि तुर्क अमीर शासन सत्ता अपने हाथ में लेना चाहते थे, इसके जबकि रजिया इसके लिए तैयार न थी। अब रजिया के बाद में हम बात करते हैं बहराम शाह। बहराम शाह आता है जो कि 1240 से 42 ईस्वी तक का उसका टाइम पीरियड है। रजिया के बाद तुर्क सरदारों ने इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र बहराम शाह को दिल्ली के सिंहासन पर बिठाया। उसने मुइज़ुद्दीन की उपाधि धारण की। शासन की संपूर्ण सत्ता विद्रोही के नेता एतिगिन को सौंप दी गई। शायद इसी शर्त पर बहराम शाह को सुल्तान बनाया गया था, परंतु कुछ दिनों बाद बहराम शाह और एतिगिन के मध्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई और सुल्तान ने अपने कृपा पात्रों के माध्यम से एतिगिन को मरवा डाला। सुल्तान ने वजीर निज़ामुल मुल्क मुइज़ुद्दीन की हत्या करवाने का भी प्रयास किया, परंतु वह बच गया। सुल्तान ने अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए दिखावे के तौर पर वजीर से मैत्री कायम रखी। एतिगिन के मृत्यु के बाद मलिक बद्रुद्दीन सुंकर को अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त किया गया। उसने सुल्तान तथा वजीर दोनों की उपेक्षा करते हुए शासन सत्ता पर अपना कब्जा जमाने का प्रयास किया, जिससे वजीर उसका शत्रु बन गया और उसने सुंकर के विरुद्ध सुल्तान के कान भरने शुरू कर दिए। सुंकर ने तुर्क सरदारों की सहायता से बहराम शाह को पदच्युत करने का षड्यंत्र रचा, पर जो षड्यंत्र का भंडाफोड़ हो गया। चूंकि सुल्तान में सभी तुर्क सरदारों को सख्त सजा देने की हिम्मत नहीं थी, अतः षड्यंत्रकारियों को दूर दूर के स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया। सुंकर को बदायूं का सूबेदार नियुक्त किया गया। चार मास बाद सुंकर सुल्तान की पूर्व स्वीकृति के बहराम शाह उसका बद्ध करा दिया। सुंकर के सहयोगी तुर्क सरदार सैयद ताजुद्दीन अली को भी मौत के घाट उतार दिया गया। अमीरों के विरुद्ध सुल्तान की सफलता का मुख्य कारण तुर्क सरदारों के आपसी फूट थी। तुर्क सरदारों के अलावा धर्माधिकारी वर्ग भी सुल्तान का विरोधी बन गया था, क्योंकि सुल्तान ने काजी जलालुद्दीन मुसाबी का भी बद्ध करार दिया था। एतिगिन
और सुनकर के रास्ते से हट जाने के बाद वजीर ने सुल्तान से अपना पुराना हिसाब चुकाने का निश्चय किया। संयोगवश 1241 ईस्वी में मंगोलों ने लाहौर पर आक्रमण कर दिया था। उन्होंने नगर को जी भर कर लूटा और हजारों मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया। दिल्ली के प्रमुख तुर्क सरदारों के साथ मंगोलों के विरुद्ध सेना भेजी गई। वजीर भी सेना के साथ गया। मार्ग में उसने तुर्क सरदारों को बतलाया कि सुल्तान ने उन सभी को खत्म करने का आदेश दिया है। तुर्की सरदारों से पहले से ही असंतोष फैला हुआ था। वजीर की बात ने उनके असंतोष को भड़का दिया और वे राजधानी को लौट आए। उन्होंने राजमहल को घेर लिया और बहराम शाह को बंदी बना लिया गया। कुछ दिनों बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया। सुल्तान के विरुद्ध तुर्की सरदारों की निर्णायक विजय से यह पुनः स्पष्ट हो गया कि कोई सुल्तान उनके सहयोग के बिना अधिक दिनों तक शासन नहीं कर सकता था। फिर बहराम शाह के बाद में आता है अलाउद्दीन मंसूर शाह, जो इसका टाइम है 1242 से 46 एडी, जो कि उसका वो भी कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम थोड़ा सा उसमें देखते हैं, हल्की सरसरी नज़र से दौड़ाते हैं। बहराम शाह को बंदी बना लेने के बाद तुर्क सरदार हिजुद्दीन किशलू खान ने अपने आप को सुल्तान घोषित करवा दिया, परंतु एक दूसरे से ईर्ष्या रखने वाले तुर्की सरदारों ने उसे सुल्तान मानने से इनकार कर दिया। वुजले हेग ने ठीक ही लिखा है कि इसमें संदेह नहीं कि साधारणतया सिंहासन भी 40 में से किसी एक को मिल जाता यदि उनकी पारस्परिक ईर्ष्या ने उन्हें अपने में से ही किसी एक को चुनने से ना रोका होता। परिणाम स्वरूप इल्तुतमिश के वंशजों पर विचार किया गया और अंत में सरसम्मति से रुकनुद्दीन फिरोज शाह के पुत्र अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान बनाया गया। परंतु तुर्की सरदारों ने सुल्तान पर अपना प्रभाव बनाए रखने की दृष्टि से इल्तुतमिश के दो बेटों नासिरुद्दीन और जलालुद्दीन को जेल में डाल दिया ताकि समय आने पर उनका उपयोग किया जा सके। दूसरा काम महत्वपूर्ण पदों पर अधिकार जमाना था ताकि सुल्तान मनमानी न कर सके। इस दृष्टि से कुतुबुद्दीन हसन गौरी को नायब, निजामुल मुल्क को वजीर और मलिक कराकश को नगर का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। जब वजीर ने अपनी सत्ता को बढ़ाने का प्रयास किया तो दूसरे सरदार असंतुष्ट, उन्होंने मिलकर वजीर का वध करवा दिया। उसके स्थान पर विनम्र स्वभाव वाले अबू बकर को वजीर बनाया गया। सुल्तान मंसूर शाह ने प्रारंभ में उदारता का परिचय दिया। उसने अपने दोनों चाचाओं को जेल से मुक्त करवा दिया और जलालुद्दीन को कन्नौज का और नासिरुद्दीन को बहराइच का शासक नियुक्त किया। विद्वानों तथा धर्माचार्यों को भी पुरस्कृत किया, परंतु दूरस्थ प्रांतों के अधिकारियों ने उसके शासन काल में मनमाने ढंग से शासन करना शुरू कर दिया और केंद्रीय सरकार की अवज्ञा करने लगे। उदाहरण के लिए बंगाल का सूबेदार तैमूर खान स्वेच्छा से युद्ध तथा संधियां करने लग गया था। मुल्तान का हाकिम एयाज भी दिल्ली के आदेशों की परवाह नहीं करता था, क्योंकि उसने बिना दिल्ली की सैनिक सहायता के मंगोलों के विरुद्ध अपने सूबे की रक्षा की थी। कटिहार और बिहार में राजपूतों ने विद्रोह करके अव्यवस्था फैला दी थी। पंजाब में खोखरों की लूटमार बढ़ती जा रही थी। ऐसी स्थिति में मंसूर शाह भोग विलास में डूबता चला गया। अतः तुर्की सरदारों को विश्वास हो गया कि उसमें शासन संचालन की योग्यता नहीं। अतः सभी ने मिलकर इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन को सिंहासन पर बैठाने का निश्चय किया। इस योजना को पूरा करने का दायित्व तो बलबन को सौंपा गया। बलबन का उदय कुछ ही वर्षों में हुआ था और कराकश के स्थान पर उसे अमीर हाजिब पद पर नियुक्त किया गया था। जून 1246 ईस्वी में बलबन ने बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से योजना को कार्यान्वित कर दिखाया। अलाउद्दीन मसूद शाह को कारागार में डाल दिया गया, जहाँ बाद में उसकी मृत्यु हो गई और नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान घोषित कर दिया गया। अब आगे के वीडियो में बच्चों हम नासिरुद्दीन महमूद के बारे में बात करेंगे, जिसका टाइम पीरियड 1246 से 66 ईस्वी था और उसमें बलबन का क्या अहम भूमिका थी उसके बारे में।